सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज गुल किचन में हम बनाने लगे हैं राजमा पुलाव, जो कि बहुत इजी है लेकिन बहुत मज़ेदार बनेगा। इसके लिए हमें इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत। बॉयल्ड राजमा हमें चाहिए 1.5 कप, इसको हम लाल लोबिया भी कहते हैं। ये हमने अच्छा सा बॉयल करना है, बिल्कुल नरम होना चाहिए। राइस हमने लेने हैं 1/2 kg, इसको हमने धोकर और भिगो देना है 20-25 मिनट पहले। प्याज 1 बड़ी लेनी है, इसको बारीक काटना है। कुटी हुई हरी मिर्च हमने 3-4 लेनी है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, साबुत गरम मसाला 1 टेबल स्पून, इसमें ज़ीरा भी है और ये दालचीनी टुकड़ों में 3-4, और लौंगे और काली मिर्च भी है, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। 1 टीस्पून हमने लेना है जायफल, जावित्री और बादयानी फूल का थोड़ा सा पीस लेना है, इसको पाउडर लेना है। टमाटर हमने एक दरमियाना लेना है, इसको बारीक काट लेना है। नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। अच्छा, 1/2 कप हमने ऑयल लिया था, डेगची में गरम कर लिया है। इसमें हमने ये गरम मसाला थोड़ा सा कड़कड़ाना है। थोड़ा सा हमने ये सफ़ेद ज़ीरा भी ले लिया है 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला हमारा थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। गरम मसाला थोड़ा सा कड़कड़ा गया, अब हम इसमें ये प्याज भी ऐड कर देंगे। प्याज को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखिए, प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, हमने अच्छा सा इसको फ्राई कर लिया है गरम मसाले के साथ। अब हमने इसमें ये टमाटर भी ऐड कर देंगे, साथ ही ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा इसको भूनेंगे मसाले के साथ। ये हरी मिर्च कुटी हुई भी हमने ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे ताकि ये टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। ये नमक हम बीच में टेस्ट करेंगे, अगर कम होगा तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ये 2 टीस्पून नमक था। अब हमने ये राजमा इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छा सा मसाले के साथ ज़रा भूनना है। साथ ही ये जायफल, जावित्री और बादयानी फूल का जो पाउडर है वो भी, या कूट भी सकते हैं आप इसे, या बारीक पीस पिसावा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसको भूनना है मसाले के साथ। अच्छा, ये देखिए, बहुत अच्छा से हमने ये भून लिया है मसाले के साथ राजमा को। अगर ये ऑप्शनल है कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आप ज़रा सा स्पाइसी बनाना चाहते हैं पुलाव तो ये ऐड कर दी, 1 टीस्पून है, अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो ना भी करें। अब हमने क्या करना है, राइस जो हमने भी होकर रखे थे इसमें शामिल कर देने। थोड़ा सा पानी इसमें डालकर ताकि सारे राइस इसमें आ जाए। थोड़ा सा हमने फ्लेम को तेज करना है, इसको आहिस्ता से हमने मिलाना है। तकरीबन पानी हमने इसमें 2-2.5 कप ऐड करना है और इसको थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पर पकने देना है ताकि ये जो पानी है इसका खुश्क हो जाए, फिर हम इसको दम पर लगाएंगे।
ये देखिए राइस का पानी बिल्कुल जब खुश्क हो गया था तो मैंने इसको दम पर लगा दिया था, और ये बहुत अच्छा सा हमारा राजमा पुलाव जो है वो तैयार हो गया। अच्छा ये इसमें ये ग्रीन चिली जो होती है हरी मिर्च, इसको आप इस दरमियान में से काट कर इस दो तीन इसके ऊपर ऐड कर दें, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका, बहुत अच्छी सी इसकी स्मेल आ जाती है पुलाव में। कोई भी पुलाव बनाए आप, बीफ का, मटन का या चिकन का, तो इस तरह से हरी मिर्च अगर हम इसमें लास्ट में रख दें चावलों पर तो बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट हो जाता है। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। देखिए राजमा पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार, हमने डिश में निकाल दिया है सर्विंग डिश में सलाद के साथ, और आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी से बन जाने वाला है और बहुत मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। नई नई रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ नहीं भूलिए। अल्लाह हाफिज़। चलिए देखें हमारा राजमा पुलाव बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सर्विंग डिश में हमने निकाल दिया इसको सलाद के साथ इस तरह, और ग्रीन चटनी के साथ आप इसे सर्व करें। रायते के साथ तो हम करते ही हैं पुलाव को, लेकिन आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत मज़ेदार बना है और बहुत ईजी सा है। वैसे भी ये जो बीन्स होते हैं, लाल लोबिया भी कहते हैं इसको, राजमा भी कहते हैं, और ये बहुत ताकतवर भी होता है। वैसे भी बॉयल करके बच्चों को देना चाहिए, लेकिन ये अगर आप इसके साथ राइस के साथ इसका पुलाव बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप अपने लिए भी बनाएं, और अगर कोई आ जाता है घर पर, अगर रेड बीन्स आपकी बॉयल रखे हुए घर में, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बॉयल करके रख लेते हैं चीज़ों को, तो आप भी बॉयल करके रखिए और फटाफट से ये बनाइए, बहुत मज़े का बनेगा ये। और इसी तरह से मैंने अच्छी अच्छी मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि एक अच्छी से अच्छी डिश आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ताकि आप भी वो सीखें और बनाएं और सबसे जो है वो तारीफ़ वसूल करें, और खुश आप भी खुश हो और खाने वाले भी खुश हो और बनाने वाले भी खुश और सिखाने वाले भी खुश हो। जाहिर सी बात है जब मेरी बनाई हुई रेसिपीज आप लोग ट्राई करते हैं और मुझे फीडबैक आता है तो मुझे यकीन मानिए कि मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं यही चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी यूनिक डिशेज लेकर आप लोगों के पास आऊँ और आप लोगों को सिखाऊँ। और इंशाल्लाह मैं नई नई रेसिपीज, और इस तरह से मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज लेकर आपके पास आऊँ। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हर जो वीडियो मेरी आए वो आपको मिल जाए, और आप उसको ट्राई करें। लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।